जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या कौन सा टॉपिक है। प्यारे बच्चे, तो प्यारे बच्चे, केमिस्ट्री में वो पांच लेसन ऐसे कौन से हैं जो पेपर की खोपड़ी में छेद कर सकते हैं। मतलब आप इन पांच लेसन को पढ़कर आप 95 प्लस नंबर ला सकते हैं। आज हम उन्हीं लेसन को डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने। ऐसा नहीं कि यही पांच लेसन पढ़ के हम बहुत अच्छा अंक अर्जित कर सकते हैं। एक तो कर ही सकते हैं प्यारे बच्चे, लेकिन अपने बेहतर भविष्य के लिए, अच्छी जानकारी के लिए हमको पूरे के पूरे लेसन पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इन पांच लेसन में क्या क्या सारी चीजें हैं। वो कौन से पांच लेसन हैं जो आपको परीक्षा के लिए, पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए काफी हैं। तो प्यारे बच्चे, पहला प्रश्न है ना, पहला लेसन हम प्राथमिकता देते हैं रासायनिक बलगतिकी की। रासायनिक बलगतिकी से भी बेहतर से बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके कुल चार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले दो तीन चार सालों से, है ना। प्रीवियस ईयर का भी कैलकुलेशन किए, इस साल का भी, तो यहाँ पे हर प्रकार का कैलकुलेशन किए हैं। तो यह आपको बता रहे हैं डाटा। तो कितने ऑब्जेक्टिव, चार ऑब्जेक्टिव कितने नंबर के होते हैं, तो प्यारे बच्चे बोलेंगे सर चार नंबर के। इसी प्रकार से जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो लगभग दो दो नंबर के पूछे जाते हैं, अर्थात दो दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दो क्वेश्चन दो नंबर का हो गया, तो ये कितने हो गए प्यारे बच्चे, तो ये भी चार ही हो गया। यहां से प्यारे बच्चे एक से दो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी एक ही लॉन्ग, नहीं तो इसी लेसन से दो दो लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मान लेते हैं दो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया तो कुल कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चे, तो दस। तो आप कर लीजिए ऐड, यहाँ पे कुल कितने नंबर हो सकते हैं, चार और चार ये दस, कितने हो गए, कुल 18 अंक का ये लेसन होने वाला है। कुल 18 अंक का लेसन होने वाला है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए भाई, दूसरा लेसन हम देखते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक का तत्व बेहद आसान है और समझदार है ना, और अंक भी हमको बहुत बढ़िया देता है प्यारे बच्चे। इससे ऑब्जेक्टिव की बात करें प्यारे बच्चे, तो ये कुल आठ ऑब्जेक्टिव इसी से ही पूछे गए हैं, इसी से ही आठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं प्यारे बच्चे। तो कुल कितने हो गए, अगर आठ ऑब्जेक्टिव हो गए तो आठ। इससे शॉर्ट क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, है ना, शॉर्ट क्वेश्चन किसने पूछे जाते हैं, तो कम से कम इससे चार शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने का हो जाएगा प्यारे बच्चे, आठ का हो जाएगा। इससे अगर हम क्वेश्चनों की बात करें कि लॉन्ग क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, तो हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से भी कम से कम एक से दो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक से दो प्रश्न यहां पे आपके पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, अगर दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये भी दस नंबर का हो गया, ठीक ना, कितने का हो गया प्यारे बच्चे, तो ये दस नंबर का आपका हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, तो कितने अंक हो गए प्यारे बच्चे, आठ आठ है ना, और दस कितने हो गए प्यारे बच्चे, तो ये 16 अंक हो जाते, सॉरी 26 अंक हो जाते हैं कुल मिला के, ठीक है। 26 अंकों का ये लेसन होने वाला है। मतलब अगर आप पी ब्लॉक बेहतर तरीके से पढ़ लिए हैं तो ये समझ जाइए प्यारे बच्चे, आपको 26 के 26 अंक ये दे सकता है, ठीक है। चलो भाई, हम अगले लेसन कौन सा है, अगला लेसन मेरा कौन सा है, तो सेकेंड पेपर से संबंधित है, जो एल्कोहल फिनाल और क्या है प्यारे बच्चे, ईथर है। एल्कोहल फिनाल ईथर में कुल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस लेसन से अगर हम सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो पांच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। ये सारे डाटा जो आपके पीछे जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं हुई हैं उन्हीं के आधार पर ये है प्यारे बच्चे। तो कुल पांच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुल कितने के हो गए, ये पांच अंक के हो गए, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव पांच नंबर का होता है। शॉर्ट में अगर हम बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की, तो दो क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, तो इसके कितने हो गए, चार। और एक लॉन्ग क्वेश्चन इससे हर बार पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है, तो एक लॉन्ग प्रश्न हो गया, तो वो भी कुल कितने अंकों का होता है, तो प्यारे बच्चे बोलेंगे पांच। तो कुल कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चे, तो ये पांच अंक का। अगर इनमें पूरे लेसन की बात करें, पूरे लेसन से कितने अंक हो गए, तो आप जान सकते हैं कुल 14 अंक आपको ये देने वाले हैं। कुल कितने अंक देने वाले हैं प्यारे बच्चे, तो 14 अंक देने वाले हैं। इसके बाद हम अगले लेसन की बात करते हैं। अगला लेसन क्या है प्यारे बच्चे, तो जिसे हम बोलेंगे एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है प्यारे बच्चे। इस एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो प्यारे बच्चे, इस लेसन से जो आठ ऑब्जेक्टिव
आठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस लेसन से आठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आठ ऑब्जेक्टिव, आठ एक नंबर का हो गया, तो ये आठ नंबर का हो गया। क्लियर है प्यारे बच्चे? शॉर्ट की बात करें लघु उत्तरीय प्रश्नों की, तो दो नंबर के, दो दो नंबर के दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुल कितने हो गए प्यारे बच्चे? चार नंबर का हो जाता है। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो यहां से भी एक से दो प्रश्न हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, कम से कम दो प्रश्न, और दो गुने पांच, क्योंकि एक कितने का होता है? पांच का होता है प्यारे बच्चे। ये कुल कितने अंक यहां से अर्जित कर सकते हैं आप लोग, तो समझ सकते हैं कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चे, कुल 22 नंबर के हो जाएगा। कुल कितने अंकों का हो जाएगा? तो प्यारे बच्चे 22 नंबर का ये लेसन होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए भाई इसी के आगे हम अगला पांचवा लेसन डिस्कस करेंगे आपके सामने, जो कि है प्यारे बच्चे दैनिक जीवन रसायन से। दैनिक जीवन में रसायन से भी प्रश्न बेहतर से बेहतर प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे बच्चे। तो ये कुल कितने अंक के होते हैं? ऑब्जेक्टिव चार क्वेश्चन पूछा जाता है, कुल कितने नंबर का हो जाता है प्यारे बच्चों? चार अंक का। अगर हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करते हैं, दो प्रश्न पूछा जाता है, वो भी कुल कितने नंबर का हो जाता है? चार क्वेश्चन, है ना, चार नंबर का हो जाता है। एक क्वेश्चन तो प्यारे बच्चे अब की साल भी पूछा गया है, 2024 वाली बोर्ड परीक्षा में, कितने, एक लॉन्ग क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, वो भी कितने नंबर का? पांच नंबर का। ये पांच नंबर का हो गया, तो यहां से कुल कितने अंक हो गए प्यारे बच्चे? कुल कितने अंक यहाँ पे आपके हो जाएंगे, तो इस बात को ध्यान से समझिएगा, कितने हो जाएंगे? तो चार और चार आठ हो जाएंगे, आठ पांच 13 अंक के हो जाएंगे। अगर हम इन पांच लेसन को बेहतर तरीके से पढ़ लें प्यारे बच्चे, है ना, पढ़ने तो हमको सभी लेसन है, है ना, अगर लेकिन हम इन पांच लेसन को एक बेहतर तरीके से पढ़ लें प्यारे बच्चे, तो हम 95+ नंबर लाने में कामयाब होंगे, है ना, 95+ नंबर लाने में कामयाब होंगे। थोड़ा सा इन प्रश्नों पर भी आप लोग ध्यान बनाएंगे, है ना, इन प्रश्नों पर, है ना, इन लेसन को भी आप ध्यान में रखेंगे प्यारे बच्चे। ये जो बिलियन वाला लेसन है ना, बिलियन वाले लेसन को भी क्रम से रखेंगे, तो यहां से भी कुल 9 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। कितने अंक के पूछे गए हैं? 9 अंक के पूछे गए हैं। इसी के क्रम में बस इनको ध्यान रखना है, आपको जो बताया गया उन पर विशेष पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे क्या प्यारे बच्चे? वैद्युत रसायन के बारे में, है ना, वैद्युत रसायन को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। वैद्युत रसायन से भी आपके अच्छे खासे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यहां से कुल कितने नंबर के हो गए? 8 नंबर के क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं 2-3 सालों में। तो ये पीछे के प्यारे बच्चे क्या है? पांच लेसन है, है ना, ये पांच लेसन आपके सामने है जो आपको एक बेहतर अंक दिलाने के लिए सही है, ठीक है। तो इन प्रश्नों को, है ना, इन लेसनों को, ये जो पाठ हैं आपके, इनको एक बेहतर तरीके से आप पढ़ें, है ना, और इन लेसन को हम लोग क्रैश कोर्स में, है ना, क्रैश कोर्स में एक बेहतर से बेहतर हर एक टॉपिक, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, क्रैश कोर्स में हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा जो लक्ष्य है प्यारे बच्चे की केमिस्ट्री में हम 95+ लेकर आए, तो इन पांच लेसनों को हम विशेष रूप से फोकस करेंगे। तो सभी बच्चे आप लोग इस बात को ध्यान रखें और इन लेसन को बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ें, एक अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है प्यारे बच्चे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।